हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉल पीके में। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सेलिंग टू बाइजेंटियम की, जो कि WB यानी कि विलियम बटलर यीट्स द्वारा जो है लिखी गई है। और फ्रेंड्स, इसके कुछ MCQ जो है हम डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं वीडियो को आज की। और फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि इतनी बात करने का समय नहीं है, और फटाफट शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो हमारा पहला प्रश्न होगा बाइजेंटियम इज, कि बाइजेंटियम है। तो फ्रेंड्स, बाइजेंटियम जो है वो एक मिथिकल सिटी है, यानी कि मिथिकल, जिसको जो है हम पौराणिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पौराणिक शहर हम जो है कह सकते हैं। एट द एंड ऑफ सेलिंग टू बाइजेंटियम द स्पीकर इमेजाइन इज ट्रांसफॉर्मेशन इन टू, तो अपने आप को जो है वो किस तरह से जो है एक इमेजाइन करता है अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके, तो वो कहता है एक मैकेनिकल बर्ड के रूप में। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, इन सेलिंग टू बाइजेंटियम द एलिमेंट दैट इज मोस्ट एसोसिएटेड विद, कि सेलिंग टू बाइजेंटियम जो है तो उसमें जो डेथ है, जो मृत्यु के जो तत्व हैं, एलिमेंट हैं, वो किस चीज़ से ज़्यादा संबंध है, तो दैट इज फ्रेंड्स होगा फायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द टावर इज नेम्ड आफ्टर यीट्स, तो टावर जो है, जो कलेक्शन था फ्रेंड्स, जिस टावर कलेक्शन में पोएम पब्लिश हुई थी और इसका पहला ही नंबर था फ्रेंड्स, तो उसको जो है बाद में किस नाम से जाना जाता था, तो उसको बाद में उन होम के नाम से जाना गया। क्वेश्चन नंबर 5 होगा, यीट्स इज, जो यीट्स थे, WB यीट्स थे, विलियम बटलर यीट्स, तो वो क्या थे फ्रेंड्स? तो वो थे एक आयरिश। क्या थे वो? आयरिश। द डायरेक्शन दैट द स्पिरिट्स वुड मूव अराउंड द स्पीकर इन सेलिंग टू बाइजेंटियम इज इन ए, तो फ्रेंड्स दैट इज जायर। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, मेरे गले में समस्या भी है, और मुझे आप ही ने सजेस्ट किया था कि मैं म्यूट वीडियो बना सकता हूँ, तो फ्रेंड्स यहाँ तक मैंने बना दी है, लेकिन मैं ज़्यादा बोलने में असमर्थ हूँ, तो फ्रेंड्स मैं आगे म्यूट वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए फ्रेंड्स, नहीं तो चलो मैं बना ही रहा हूँ। ठीक है, मैं आगे चलते हैं आराम से धीरे धीरे कंप्लीट कर देते हैं। व्हाट इज द चाइल्डहुड एक्टिविटी दैट द स्पीकर रिमेंबर्स इन द टावर, तो दैट इज द फ्रेंड्स फिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द टावर द आइडियल पीजेंट इज नेम्ड हर, जो टावर में है तो एक आइडियल पीजेंट यानी किसान जो नाम दिया गया, वो किसको दिया गया फ्रेंड्स? तो वो जो प्रयोग हुआ है वो हेनरान के लिए प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 होगा, द सिंबल दैट माउंट गॉन इज बेस्ट एसोसिएटेड विद, तो जो माउंट गॉन है वो किसके साथ में जो मुख्य रूप से संबंध है, तो हमारा सही उत्तर होगा फ्रेंड्स द मून। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए रिकॉर्डिंग सिंबल फॉर वोमैनहुड इज, एक जो सिंबल है, एक रिकॉर्डिंग सिंबल है फॉर वोमैनहुड, तो वो क्या है फ्रेंड्स? तो हमारा सही आंसर होगा लेबिरिंथ। क्वेश्चन नंबर 11, यीट्स फैमिली वाज ए मेंबर ऑफ द, तो जो मेंबर थे वो किसके मेंबर थे फ्रेंड्स? तो सही आंसर अब तक आपने सोच लिया होगा, तो वो थे प्रोटेस्टेंट अकेडमी। सॉरी फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच शेक्सपियर करेक्टर डज यीट्स कंपेयर इन इरेगुलर टू, तो दैट इज फ्रेंड्स फालस्टाफ। मोस्ट एलिशन इन द कलेक्शन आर टू फिन, डी साइकिल, डी सीकल, फ्रेंच लिटरेचर, तो फ्रेंड्स वो होगा
बी क्लासिकल। व्हाट द स्पीकर क्लेम टू डील इन एट द एंड ऑफ 1919। तो अंत में जो है स्पीकर जो है क्या क्लेम करता है 1919 के लिए, तो दैट इज फ्रेंड्स मोकरी। तो दोस्तों मोकरी जो होता है ये हमारा हंसी मजाक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा द व्हील यूजेस एज ए सेंट्रल इमेज। जो व्हील एक प्रयोग हुआ है एज ए सेंट्रल इमेज, तो फ्रेंड्स दैट इज हमारा नेक्स्ट सही होगा सीजन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द टावर क्लाउड बी सैड टू बी अनफिल्ड बाई वन थीम इट वुड बी। यदि टावर जो है कहा जाए कि अनफील्ड कहा जाए उसको बाई वन थीम, तो वो क्या होगा दोस्तों, तो सही आंसर हमारा होगा एजिंग। नेक्स्ट होगा इन यूथ एंड एज द स्पीकर इज मोर इंक्लाइनिड टू। यूथ और एज में जो है किससे ज़्यादा संबंधित है जो किस एज ही ग्रोस ओल्डर, तो फ्रेंड्स दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। तो अब तक आपने सोच लिया होगा तो पेरेस लाइफ। इन ए प्रेयर फॉर माय सन द स्पीकर इज सन्स नेम। तो प्रेयर कहता है अपने सन के लिए, तो उसके सन का नाम क्या है फ्रेंड्स, तो वो है माइकल। क्वेश्चन नंबर 19 होगा इन ए प्रेयर फॉर माय सन द स्पीकर होप्स दैट द घोस्ट मे बी। तो घोस्ट जो हो सकता है फ्रेंड्स वो किस तरह से हो सकता है, तो जो हमारा सही उत्तर होगा होगा फ्रेंड्स आर्म। इन टू सॉन्ग्स फ्रॉम ए प्ले व्हाट गॉड डज ए वर्जिन कन्फ्रंट। क्वेश्चन नंबर 20। तो सही आंसर हमारा होगा यावे, माफ कीजिएगा फ्रेंड्स सही उत्तर होगा हमारा डायोनीसस। क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट डज द कैरी विद हर। व्हाट डज सी कैरी विद हर, जो वह है वो जो अपने साथ में क्या लेकर जाती है फ्रेंड्स, तो जो हमारा सही उत्तर होगा फ्रेंड्स, तो सही आंसर हमारा होगा डायनोसिस हर्ट। क्या लेकर जाती है वो डायनोसिस हर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेडा एंड द स्वान डिस्क्राइब्स एन एक्ट ऑफ। तो एक जो एक्ट के रूप में दर्शाए जाते हैं लेडा एंड स्वान, और रेप के रूप में दर्शाए जाते हैं। और लेडा वाज द, लेडा कौन है, तो फ्रेंड्स लेडा इज द वाइफ ऑफ मरकरी। 24 द स्वान इज, जो स्वान है वो इन डिस्गाइज किसके भेष में है, तो फ्रेंड्स वो है जीसस के रूप में जीस। और क्वेश्चन नंबर 25 होगा सेटो इज ए स्टैंड इन फॉर द नेशन ऑफ। सेटो जो है किस नेशन से संबंधित है, तो फ्रेंड्स वो है जापान से। तो दोस्तों 25 क्वेश्चंस थे पोएम से संबंधित जो मैंने आपके लिए डिस्कस किए हैं। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है गले में लेकिन ठीक नहीं हो रही है, फिर भी आपके लिए वीडियो बना दिया है। आप इंतजार कर रहे होंगे कि आप लोगों का प्यार है सब तो रहा नहीं जाता। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।